स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और पेपर की कंप्यूटर की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट MCQ करवाने के लिए जा रहा हूँ और आप लोगों ने इन इम्पॉर्टेंट MCQs को बहुत अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद आप लोगों ने बुक की एक्सरसाइज के एंड पर जितने भी MCQs हैं उनको भी साथ साथ ही तैयार कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। दो सिमती अरे का दूसरा नाम है वैक्टर अरे, जदवल, थीम अरे एंड लीनियर अरे। तो ये आपको पता होगा कि बी ऑप्शन है जदवल। सेकंड, किस स्टेटमेंट से लाइन खींची जा सकती है? ए लाइन, तो ये लाइन से ही खींची जाती है। नेक्स्ट, अगर हदायत के चलने की तादाद का पता हो तो कौन सी लूप बेहतर है? गो टू, नो, फार एंड नेक्स्ट। तो यस, ये हमारे पास फार और नेक्स्ट आएगी। नेक्स्ट, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन। तो हमारे पास MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एक मसले के कितने हल मुमकिन है? एक, दो, तीन या कई? तो एक मसले के कई हल। इफ स्टेटमेंट की कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल होनी चाहिए? एंड इफ, बी एंड, सी देन या डी एल्स? तो ये सी होगा, देन। नेक्स्ट, एक अरे 1000n में कितने अरकान हैं? 999, बी 0, सी 1001। तो ये हमारे पास 1001 आता है। नेक्स्ट, एक सिमत के अरकान की तादाद एक सिमत के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है? 10, 9। तो बी ऑप्शन है 255 है, 255। नेक्स्ट, एक फाइल कितने तरीक़ों से हैंडल की जा सकती है? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 2 मेथड्स हैं, यानी कि 2 तरीक़ों से हैंडल की जा सकती है। नंबर नेक्स्ट, कलर मॉनिटर पर स्क्रीन मोड्स की अकसाम है 2, 3, 4 या 5? तो कलर मॉनिटर पर 4 स्क्रीन मोड्स की अकसाम है। नेक्स्ट, सेलेक्टर वर्ड्स को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, बी शिफ्ट प्लस एन बी, सी ऑल्ट प्लस बी एंड डी। कंट्रोल प्लस बी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस वाई इस्तेमाल होता है इंडो ढूंढने में, पेज ब्रेक में या हमारे पास रीडो में? तो हमारे पास रीडो के अंदर यूज़ किया जाता है। बेसिक्स बेसिक स्टेटमेंट में टाइपिंग की एरर्स कहलाती है? रन टाइम एरर, बी लॉजिकल एरर, सी सिंथेटिक्स एरर। तो ये सी है, सिंथेटिक्स एरर। नेक्स्ट, GW बेसिक में एक वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई है 31, बी 32, सी 40। तो ये सी 40 होगी। नेक्स्ट, बेसिक लैंग्वेज किस साल में बनाई गई? 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में? तो डी ऑप्शन, 963 ऑप्शन में। नेक्स्ट, एंड फॉर स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तकरार के लिए, इंतखाब के लिए, तरतीब के लिए या सीरीज़ के लिए? तो ये इस्तेमाल होती है तकरार के लिए। नेक्स्ट, अगर ऑन गो टू स्टेटमेंट की वर्ड ऑन के मुताबिक किसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की इंटीजर्स वैल्यू 255 से ज़्यादा हो तो किस किस्म की एरर वाक़या होती है? ए सिंथेटिक्स एरर, बी लॉजिकल एरर, सी रन टाइम एरर या एरर्स नहीं? तो इसमें होगा साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। नेक्स्ट, इंटीजर वेरिएबल के लिए कौन सा करैक्टर इस्तेमाल होता है? ए परसेंटेज, बी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सी इट्स नॉट इक्वल, डी डॉलर्स। तो ये हमारे पास परसेंटेज का करैक्टर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, मदरजा ज़ैल में से कौन सा दुरुस्त सबस्क्रिप्ट नहीं है? num10, a2, b4 एंड a(-2) जो डी ऑप्शन है। बेसिक में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? एंड, और या एन ई नीदर्स।
तो ये सी नहीं हमारे पास है, बाकी तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स है। बेसिक में कौन सा ऑपरेटर सबसे ज़्यादा तरजीह कीमत रखता है, स्टोर या हमारे पास एट इक्वल प्लस, तो ये बी ऑप्शन है हमारे पास। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट देखने के लिए कितने वेव्स, कितने व्यूज़ हैं, 2, 3, 4 एंड 5, तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट देखने के लिए 5 व्यूज़ हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल के गैर मशरू ट्रांसफ़र के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, गो टू इफ फॉर, तो हमारे पास इसमें ए ऑप्शन है गो टू। ज़्यादा से ज़्यादा इस सिमतों की तादाद है 10, 50, 255, तो ये पीछे हम पढ़ के आए हैं 255 थी। प्रोग्राम में मौजूद गलतियों को तलाश करके इनको ख़त्म करने के अमल कहलाता है डीबगिंग। ये हमें बहुत जो ना वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है और जो बार बार पूछी गई है। कंट्रोल प्लस वाई इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए, रीडू के लिए या ढूंढने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए, तो ये पीछे भी पढ़ के आए हैं इसलिए रीडू करने के लिए। बेसिक में प्रोग्राम चलाने के लिए शॉर्ट की इस्तेमाल होती है, तो बेसिक प्रोग्राम चलाने के लिए F2 शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड महफूज करता है ख़त्म किया गया टेक्स्ट, कॉपी किया गया टेक्स्ट, तो हमारे पास बी ऑप्शन है कॉपी किया गया टेक्स्ट होगा। बिल्ट इन फंक्शन का दूसरा नाम है लाइब्रेरी फंक्शन, सब प्रोग्राम, लूप या डी अरे, तो हमारे पास ए ऑप्शन है लाइब्रेरी फंक्शंस है। बेसिक में मौजूद बैकग्राउंड कलर्स की तादाद है 8, 16, 12 या 4 है, तो ये आपको पता है होगा। बेसिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर की तादाद है 3, 4, 5 या 2, तो हमारे पास बेसिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर की तादाद 5 है। नेक्स्ट, इफ़ स्टेटमेंट के साथ कौन सी ऑपरेशन इस्तेमाल होती है, वाई या देन, तो हमारे पास ये देन इस्तेमाल होती है। बेसिक में कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर फैसला करने के लिए इस्तेमाल होता है, तकरार या चुनाव, शर्त या तरतीब, तो हमारे पास ये चुनाव है। वो मतगैर जो एक ही किस्म के डाटा को स्टोर कर सकता है, इंडेक्स है, अरे है, डाटा टाइप है या बड़ा मतगैर, तो बी ऑप्शन है अरे। नेक्स्ट, बेसिक में मंतकी ऑपरेटर्स की तादाद होती है 4, 5, 3 या 7, तो ये हमारे पास 3 होती है। टाइपिंग की एरर्स कहलाती है रन टाइम एरर, बी लॉजिकल एरर, सी सेंथिक्स एरर या एग्जीक्यूशन एरर, तो ये सेंथिक्स एरर है। नेक्स्ट, जो डब्ल्यू बेसिक में एक वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई है 31, 32 या 40, ये पीछे भी पढ़ के हैं 40 हैं। बेसिक लैंग्वेज किस साल में बनाई गई, 1970 में, 1972 में, 1976 में या 1963 में, तो ये पीछे भी पढ़ के हैं 1963 में। नेक्स्ट, फास्ट स्टेटमेंट करते हैं तकरार के लिए, तो ये तकरार के लिए। नेक्स्ट, ऑन गो टू स्टेटमेंट की वर्ड ऑन के मुताबिक किस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की इंटीजर्स वैल्यू 255 से ज़्यादा हो तो किस किस्म की एरर वाक़िया होती है, सिंथेटिक एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर या एरर नहीं।